तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले कुछ ऐसी घटनाएं वो अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। ये सभी घटनाएं ऐसी है जिनके पीछे का राज अभी भी रहस्य बना हुआ है। सोल्डर चिल्ड्रन। दोस्तों, ये मिस्ट्री है 1945 की, जब सोल्डर फैमिली के 5 बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। अमेरिका में वेस्ट वर्जिना में एक टाउन है जहां जॉर्ज और उनकी पत्नी जेली सोल्डर अपने 10 में से 9 बच्चों के साथ एक घर में रहते थे। क्रिसमस के एक दिन पहले रात के समय में उनके घर में अचानक आग लग जाती है। सोल्डर फैमिली को आग लगने का एहसास होता है, तब ये फैमिली घर के बाहर की ओर भागती है। सोल्डर फैमिली जब घर के बाहर भागती है तब उन्हें बाहर आने पर यह पता चलता है कि हमारे 5 बच्चे अभी भी उसी घर के अंदर फंसे हुए हैं। आग भी बड़ी होती जा रही थी, लगभग आग ने घर को चारों तरफ से घेर लिया था। जॉर्ज अपने बच्चों को बचाने के लिए एक सीढ़ी ढूंढते हैं, लेकिन सीढ़ी भी अपनी जगह से गायब रहती है। इसके बाद जॉर्ज अपने पास मौजूद ट्रक को बच्चों को बचाने के लिए स्टार्ट करता है कि बच्चों को खिड़की से बचाया जा सके, लेकिन अनलकीली ट्रक भी स्टार्ट नहीं होता। और जब जॉर्ज आग बुझाने के लिए पानी की तलाश करते हैं तो जॉर्ज को पानी भी बर्फ के फॉर्म में मिलता है। जॉर्ज के पड़ोसी जब फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं तो फोन का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा होता। इसके बाद घर आग से रात भर जलता रहा। 25 दिसंबर को पुलिस सुबह के वक्त सोल्डर फैमिली के पास पहुँचती है। इस घर को जब चेक किया जाता है तब ना तो इन बच्चों की बॉडी मिलती है ना कोई सुराग। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जब आग चल रही थी तब पूरे एरिया की टेलीफोन लाइन पूरी तरह से बंद थी। इन 5 बच्चों की मौत जेली सोल्डर ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बताया। आग लगने से 1 घंटे पहले टेलीफोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया था जिस पर जेली ने ध्यान नहीं दिया था। ये घटना घटने से पहले एक अनजान आदमी सोल्डर फैमिली के घर के पास से हर रोज गुजरता था और घटना के बाद इस आदमी का भी पता नहीं चलता है। द गोस्ट शिप। 1947 जून के महीने में 2 अमेरिकन जहाज समुन्द्र में मलक्का नाम की जगह से गुजर रहे थे, तभी उसमें से एक जहाज को SOS कम्युनिकेशन मैसेज आता है जो कि एक डरावना मैसेज था। जो मैसेज था, ऑल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द कैप्टन्स आर डेड, लिविंग इन द चार्ट रूम एंड ब्रीच पॉसिबली ऑल क्रू डेड। इस मैसेज के 1 मिनट के बाद और एक मैसेज आता है, आई डाई। ये मैसेज एग्जैक्ट कहाँ से आया इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद मलक्का के आसपास जितने भी जहाज मौजूद थे उन्हें सभी को इन्फॉर्म किया जाता है और इस जहाज को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलता है। सर्च ऑपरेशन के कुछ घंटों के बाद इस शिप का पता लगाया जाता है और इस शिप का नाम था USS सौरांग मेडार। बाद में इस जहाज के अंदर सर्च टीम दाखिल होती है, तब वो इस जहाज के अंदर का नजारा देख बहुत ही घबरा जाते हैं क्योंकि इस जहाज में सफर कर रहा पूरा क्रू मर चुका था और जहाज में सिर्फ लाशें पड़ी थी और इन लाशों के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल एक समान थे। इन सभी लाशों के आंखें खुली थी और मुंह भी खुला हुआ था, मानो इन्होंने मरने से पहले कोई भयानक दृश्य देख लिया हो। इस जहाज में एक डॉग भी सफर कर रहा था तो वो भी इसी तरह मरा हुआ मिला था। जहाज में मरे हुए लोगों के शरीर पर एक भी चोट या किसी भी तरह का निशान नहीं था, लेकिन ये सभी लाशें सामान्य तुलना में बहुत ही तेजी के साथ कंपोज हो रही थी। USS सोरांग मेडार जहाज को जब बंदरगाह पर ले जाया जा रहा था तब इस जहाज में निचले हिस्से में आग लग जाती है और कुछ ही मिनट में यह जहाज ब्लास्ट हो जाता है। इस जहाज की मिस्ट्री अभी तक राजी बनी हुई है कि आखिर इन लोगों की मौत कैसे हुई होगी, कि क्या कोई ये जहाज पैरालॉग की घटना का शिकार हुआ था या कोई और चीज का सामना इस जहाज में मौजूद लोगों ने किया था। नाजगा लाइंस। पेरू में नाजगा डिजर्ट करके एक जगह है। ये जगह अपने अलग ही मिस्ट्री के लिए जानी जाती है। इस जगह पर अलग अलग लाइन की कई आकृतियां बनी हुई है और ये आकृतियां काफी बड़ी बड़ी है। इन आकृतियों में कुछ आकृतियां ऐसी है कि वो समझ ही नहीं आती, लेकिन इनमें से आप देख सकते हो कि एक छोटा पक्षी, बिल्ली, यहाँ तक एक इंसान की भी आकृति बनाई गई है। माना जाता है इन आकृतियों को 700 BC के दरमियान नाजगा सभ्यता ने बनाया था। ये आकृतियां इतनी बड़ी है, इसे आप जमीन से देखते हो तो ये सिर्फ मामूली रेखाएं नजर आती है। इन आकृतियों को आसमान से ही ठीक तरह से देखा जा सकता है। इन आकृतियों में सबसे बड़ी आकृति 300 मीटर की बनाई गई है। आप तो जानते होंगे आज से हजारों साल पहले ना तो कोई एरोप्लेन था और ना ही कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो हवा में उड़ सके, लेकिन फिर भी इन आकृतियों को इतनी सटीकता से कैसे बनाया गया और इन आकृतियों को आखिर बनाया ही क्यों होगा कि जो सिर्फ आसमान से ही ठीक तरह देखी जा सकती है। क्या इन लोगों के पास दैवीय शक्ति थी या कोई इनका एलियन से संपर्क था? यहाँ पर 14 किलोमीटर की एक बड़ी लाइन भी बनी हुई है जो लाइन किसी रनवे की तरह नजर आती है। टिनी एलियन स्केलेटन। साल 2003 में चिली के अटकामा डिजर्ट में एक ऐसा स्केलेटन मिलता है जो कि सिर्फ 6 इंच का था।
अटकामा डिजर्ट में ये जिस जगह पर ये ढांचा मिला तब ये सफेद कपड़े में लिपटा हुआ मिला था। ये स्केलेटन सिर्फ 6 इंच का था, जिस वजह से साइंटिस्ट का ये भी दावा था कि ये किसी एलियन का भी ढांचा हो सकता है, कि जो एलियन अर्थ पर आने के बाद वापस नहीं जा सका। इस स्केलेटन पर रिसर्च करने पर ये पता चलता है कि ये स्केलेटन किसी 6 एयर के आदमी का है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 6 एयर के आदमी का ढांचा इतना छोटा कैसे हो सकता है। ये स्केलेटन भले ही छोटा था लेकिन इसकी सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इस ढांचे की खोपड़ी भी इंसानी खोपड़ी की तरह सिमिलर थी और इसके दांत भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बीच में कुछ साल बीत जाने के बाद 2013 में इस स्केलेटन से जुड़ी एक बात सामने आती है। इस स्केलेटन की डीएनए और हड्डियों की रिसर्च करने पर यह पता चलता है कि यह स्केलेटन 40 साल पुराना है और इस स्केलेटन किसी एलियन का नहीं बल्कि एक इंसान का ही है जिसकी उम्र 6 साल की थी। इसमें मिस्ट्री है कि एक इंसान जो 6 साल का था उसके कंकाल की साइज 6 इंच ही कैसे हो सकती है। डीबी कूपर। साल 1971 में एक आदमी पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर सिएटल की ओर जा रहे प्लेन में सफर करने के लिए बैठ जाता है। प्लेन का नाम था बोइंग 727 और प्लेन में सफर कर रहे इस रहस्यमय आदमी का नाम था डीबी कूपर। यह आदमी प्लेन की आखिरी सीट पर जाकर बैठता है और सिगरेट जलाकर पीने लगता है और ये अपने लिए एक ड्रिंक भी ऑर्डर करता है। प्लेन पोर्टलैंड से सिएटल की तरफ जाने के लिए 2:58 पर उड़ान भरता है। प्लेन उड़ने के कुछ ही मिनटों के बाद डीबी कूपर नाम का शख्स अपने पास बैठी एयर होस्टेज जिसका नाम था फ्लोरेंस शार्पनर इसे एक चिट्ठी थमा देता है। फ्लोरेंस इस चिट्ठी को पढ़कर काफी डर जाती है क्योंकि इस चिट्ठी में लिखा था, मिस आई हैव अ बॉम्ब हेयर एंड आई वुड लाइक यू टू सीट बाई मी, जिसका मतलब था मेरे पास बॉम्ब मौजूद है तो आप मेरे पास आकर बैठ जाइए। जब एयर होस्टेस डीबी कूपर के पास आकर बैठती है तो कूपर अपने पास मौजूद ब्रीफकेस ओपन करके दिखाता है कि जिसमें 8 डायनामाइट के स्टिक होते हैं, मतलब प्लेन हाईजैक हो चुका था। 1970 के टाइम में प्लेन में चेकिंग नहीं की जाती थी और तो और सिगरेट पीने में भी कोई पाबंदी नहीं थी। इसके बाद डीबी कूपर अपनी 3 डिमांड रखता है। डीबी कूपर की पहली डिमांड थी कि शाम 5 बजे से पहले मुझे 2 लाख कैश चाहिए और उसने दूसरी डिमांड में 2 पैराशूट मांगे थे और तीसरी डिमांड थी कि सिएटल एयरपोर्ट पर 1 रिफ्यूल ट्रक रेडी होना चाहिए। डीबी कूपर की सभी डिमांड को पूरा करने की कोशिश की जाती है। इस जहाज में कुल 35 यात्री सफर कर रहे थे, उन्हें प्लेन में चल रहे इस घटना का कोई भी अंदाजा नहीं था। डीबी कूपर ने जो भी चीजों की डिमांड रखी थी उन सभी चीजों का अरेंजमेंट सिएटल एयरपोर्ट पर किया जाता है। 5:45 पर प्लेन सिएटल टकामा एयरपोर्ट पर सेफ्टी लैंडिंग करता है और कूपर ने रखी डिमांड के हिसाब से उसे पैसों से भरा बैग और 2 पैराशूट दिए जाते हैं और प्लेन को भी रिफ्यूल किया जाता है। प्लेन से सफर कर रहे बाकी सभी यात्री सिएटल टकामा एयरपोर्ट पर उतर जाते हैं और डीबी कूपर ने जिस एयर होस्टेस को लेटर दिया था फ्लोरेंस शार्पनर वो भी प्लेन से उतर जाती है। प्लेन में अब सिर्फ 2 पायलट और 2 फ्लाइट क्रू के अतिरिक्त सिर्फ डीबी कूपर मौजूद था। प्लेन फिर से सिएटल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। डीबी कूपर प्लेन को रेनो की तरफ ले जाने का ऑर्डर देता है। प्लेन रेनो की तरफ जाने के लिए सफर करता है। कुछ ही मिनटों के बाद प्लेन में मौजूद दूसरी एयर होस्टेस टीना मक्लो को डैन कूपर कॉकपिट में जाने का ऑर्डर देता है। इसके बाद कूपर पैराशूट को अच्छी तरह से अपने शरीर के ऊपर एडजस्ट कर लेता है। बाद में प्लेन की सीढ़ियां खुलती है और डैन कूपर प्लेन से छलांग लगा देता है, जिसके बाद प्लेन से कूदा आदमी की 50 सालों से तलाश जारी थी कि आखिर प्लेन से कूदने वाला आदमी डीबी कूपर कौन था और प्लेन से कूदने के बाद आखिर वो कहां गया। इसकी मिस्ट्री 1970 से लेकर अभी तक बनी हुई है। इस केस को FBI बड़ी कोशिशों के बाद हार मानकर 2017 में इस फाइल को क्लोज कर देती है। दोस्तों, इन घटनाओं में आपको कौन सी घटना सबसे ज्यादा हैरतअंगेज लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और इसी वीडियो देखने के लिए फैक्ट्स इन द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए, मैं मिलता हूं आपको नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।